गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर मनीष डोडी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। करें शुरुआत सर। बिल्कुल सर, आज एस ब्लॉक और हाइड्रोजन है। वैसे तो कहा जाता है कि एस ब्लॉक और हाइड्रोजन है, रिमेंबर पोर्टेबल है, थोड़ा इसको रिमेंबर रखना पड़ता है। बिल्कुल, याद करने वाली चीजें हैं इसमें ज्यादातर। फिर भी अपन ने कोशिश की है कि कंसेप्ट कुछ चीजें हैं वो इसमें आ जाए। इसके अलावा जो नॉर्मल है, जो लर्न टाइप का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन से नॉर्मली पुट करता है, इसमें मेनली तो आपको बेटा जी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। आप बिल्कुल सर, ब्लॉक केमिस्ट्री में और इन हाइड्रोजन इस कंपाउंड वगैरह में आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी से डिटो क्वेश्चन उठा के वैसे वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपने पिछले साल के पेपरों में देखा भी होगा। आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सर, करिए सर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ड्यूटेरोहाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको पता हो तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O। बिल्कुल, तो यहां पे आपको क्या करना है, ड्यूटेरोहाइड्रेट बनाना है। इसका मतलब है आपको वाटर की जगह हेवी वाटर लेके चलना है, D2O। तो वही रहेगा MgSO4.7D2 हो जाएगा। याद रखना हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है आपके, एक तो प्रोटियम हो गया, हाइड्रियम जिसको बोलते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम हो गया, तीसरा ट्रिट्रियम। क्लियर, जिसमें प्रोटॉन हमेशा सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होंगे, डिफरेंट होगा आपका न्यूट्रॉन 0, 1, 2, और इसी वजह से मास भी डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आइसोटोप में हमेशा ध्यान रखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये तो रहेंगे सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास ये रहेगा डिफरेंट। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बिल्कुल सर, तो इसमें ये आंसर हो गया अपना, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखे बेटा जी, Mg3N2 प्लस नाइट्राइड दे रखा है। क्या दे रखा है? नाइट्राइड। उसका अपन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और वो भी किससे, हैवी वाटर से कर रहे हैं। बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, जहां भी आपको आयन लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ये है उस आयन के ऊपर उतना चार्ज है जितना उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बिल्कुल सर। जैसे अपन बात करें नाइट्राइड, तो N-3 आ जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड O-2 आ जाएगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड F-1 आ जाएगा, कार्बाइड, कार्बाइड C-4 आ जाएगा, फॉस्फाइड P-3 आ जाएगा, सल्फाइड S-2, ऐसे और भी हो जाएंगे अपने पास। तो अपन बात करें मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का। बेटा जितने भी आयनिक मैग्नीशियम नाइट्राइड है उनका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, अपने को क्या मिलेगी, अमोनिया मिलती है। क्या मिलती है? अमोनिया मिलती है। तो ये अपने पास कौन हो गया, डी ओ डी हो गया। तो यहां से अपने अगर ब्रेक रहे तो ये एक एच किससे अटैच होंगे, इससे, और ओ एच किससे अटैच होंगे, इससे अटैच होंगे। तो अपने पास एन डी थ्री बन जाएगा, और साथ में एम जी ओ डी का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट इसने यही बना रखे। अब इसने क्या पूछा है, इसने बैलेंस किया है, तो बैलेंस सर करेंगे, करिए सर। बिल्कुल सर, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन 2 है, तो 2 कर दो, मैग्नीशियम 3 है, तो 3 लगा दो, बाकी चीजें देखो बैलेंस हो रही है क्या, 6D2O हो गए आपके पास, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम देखे 3-2 6 हो गए आपके पास, मैग्नीशियम 3 हो गए, तो एक बैलेंस इक्वेशन हो गई है। और ये ही है आपका वाई जो मिक्स किया है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। बिल्कुल सर, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो, जैसे आपका H2O होता है वैसे ही आपका DDO होता है। बस आप तो ये याद रखना, जितने भी नाइट्राइड है, जितने भी आयनिक नाइट्राइड है, वो सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन पर क्या देंगे, अमोनिया गैस देंगे। आगे क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। नेक्स्ट पेज करना सर, पेज नेक्स्ट जी सर। नाइट्राइड से अपने को क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी। बिल्कुल सर। फॉस्फाइड, फॉस्फेट मिल जाएगी, से फॉस्फीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फॉस्फीन। हाइड्राइड, कौन से हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड वगैरह जो, उनसे अपने को H2 मिल जाएगी। कार्बाइड, जितने भी कार्बाइड है वो क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन देंगे। बिल्कुल, आपने तीन टाइप के कार्बाइड पढ़ेंगे, मेथिनिलाइड, एसिटिनिलाइड और प्रोपिनिलाइड।
तो हाइड्रोकार्बन कौन से आगे, एल्कीन भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। अब किससे क्या बनेगा ये अपन आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं सर। बिल्कुल सर, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका सरनेम मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, चलो H2O से करवा देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और आपका जैसे कि सरने का अमोनिया यहां से बन जाएगी, बस उसमें ड्यूटेरियम था। कई बार इसको आगे रिएक्शन करवा लेता तो ये फ्यूमिंग देता है आपका HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट फ्यूम्स आपके प्राप्त होने। इसका टेस्ट भी है किसका, अमोनिया का टेस्ट है। बिल्कुल सर, जो आगे की क्वेश्चन आएगा अपने देखते हैं। एक स्मोक टाइप का ही होता है, उससे थोड़ा सा ये डार्क होता है। जी सर, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्ट विद H2O2 इन एसिडिक मीडियम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू कलर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। बेटा जी एक रिएक्शन है किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की रिएक्शन अपन एसिडिक मीडियम में, जैसे मैंने H2SO4 ले लिया और साथ में क्या ले लिया H2O2 ले लिया, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास क्या बनता है CrO5। इसके लिए अपन पहले बात कर चुके हैं, ये क्या है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। कैसी, बिल्कुल सर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर अपने बच्चों को लगता है होता है, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी क्रोमियम की कितनी आएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। मैं इसके लिए आपको पहले बता चुका हूं कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है तो मतलब उसमें कौन प्रेजेंट है, परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, परोक्सी बॉन्ड है। तो अब देखो यहां पर क्या है, परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है अपने पास, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पड़ा रहने पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ब्लू कलर का, तो इससे पता चल जाएगा क्रोमियम का सिर्फ आपका Cr5 ही होता है जो ब्लू कलर होता है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, फिर भी ये कलर्ड होता है, और उसका रीजन आपको कहा था ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे देखो अगर ये कंपाउंड बनता तो सर ग्रीन कलर होता, अगर आपके पास रिएक्शन नहीं भी आती है ना तो आप ऐसे देख सकते हो K2Cr2O7 और ये आपका ऑरेंज होता है। वैसे ही बात करें इसकी, ये डाइक्रोमेट की वजह से कलर है तो ये भी ऑरेंज ही निकलेगा आपका और ये आपका ब्लू कलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्रोमेट आयन होता तो आपका येलो कलर हो जाता, कहने का मतलब है क्रोमियम का सिर्फ Cr5 भी ब्लू कलर का होगा, तो आप इसको सीधे कर सकते हैं अगर रिएक्शन आपको याद ना हो। क्यों सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सर, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O? आप सब भूल जाओ इसमें, एक चीज याद रखो कहां से आया फॉर्मूला वो सब छोड़ो, आप तो याद रखो जब भी मोलरिटी पूछी जाती है H2O के लिए देखे वॉल्यूम में, तो हमेशा एक चीज कर दो आप उसके साथ, हर के साथ करना ये X/11.2 यही मोलरिटी होगी। एक्स आपका है वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब मोलरिटी आ जाएगी तो आप यहां से नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, आपको पता है नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, यहां से आप नंबर ऑफ मोल सब चीज आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपका पूरा काम सेट कर देगा। तो यहां पे कितना वॉल्यूम दिया गया है 20 ml, तो आपकी मोलरिटी आ गई 20/11.2, तो ये आपका लगभग 1.78 के समथिंग आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो मोलरिटी तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों सर, बिल्कुल सर, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, सर ने बताया वो फॉर्मूला याद रखे, ट्रिकी मेथड है जिससे आपको कैलकुलेट करने, बिल्कुल नहीं तो रिएक्शंस पे जाके इसको कैलकुलेट करने का लॉन्ग प्रोसेस है जो आप रेडॉक्स रिएक्शन में या मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हो। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम CaO2 एंड H2SO4। बेटा पहले तो बात करते हैं CaO2 के लिए, बात करते हैं ये क्या चीज है, ये ऑक्साइड है या परोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। तो अपन बात करें जब भी ऐसा आपके सामने आ जाए तो कैल्शियम पर पहले चार्ज अपने को पता है कितना, +2, तो यहाँ पर कितना आएगा -2, मतलब ये क्या चीज है, परोक्साइड है। क्या है, परोक्साइड की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, H2O2 H2SO4 से कराते हैं, तो क्या रिएक्शन होगी सर बताएं। जब भी इसके साथ करवाएंगे हमेशा ध्यान रखो, ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है, और अगर परोक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं सॉल्ट बनता है H2O2 बनता है, और अगर इसी परोक्साइड की रिएक्शन आपकी सुपरऑक्साइड की रिएक्शन अगर आपकी उसी डाइल्यूट एसिड के साथ करवा दी जाती है तो आपका सॉल्ट बनेगा H2O2 बनेगा और साथ में O2 गैस रिलीज होगी। तो यहां पे आपका क्या है, परोक्साइड है तो सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaO4 प्लस, इसके अलावा H2O2 आपका यहां पे बन जाएगा।
अब क्वेश्चन अपना यह है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे सर दोनों में ही इसमें देखा जाए तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है बिल्कुल सर, जो अपनी माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे अगर जाए तो यहाँ पे भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन ही है, जो यहाँ पे अपनी माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको पता हो तो पहले भी सर ने बताया था कि जिनके पास है, बिल्कुल सर आप ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आपको सर ने ट्रिक भी दी थी, दो आपके पास सेंटर हो sp3 वाले, दोनों के पास से दो सिग्मा और दो लोन पेयर हो, ठीक है बिल्कुल सर, तो वो आपके कौन सा परोक्सी लिंकेज देते हैं। देखो बेटा यहाँ पर परोक्साइड है तो इसका मतलब यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, परोक्साइड मिल जाएगा। अगर आपको H2SO4 की जगह एसिड की जगह क्या दे दे, वो वाटर मॉलिक्यूल दे दे, तो बिल्कुल सर वाटर मॉलिक्यूल दे दे, तो सिंपल अगर ऑक्साइड आया तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, बेस हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब बेस बनेगा। अगर अपने पास परोक्साइड आया तो उसका प्रोडक्ट अपने पास क्या मिलेगा, परोक्साइड है तो परोक्साइड मिलेगा, मतलब H2O2 मिलेगा। और बेस अगर अपने पास सुपर ऑक्साइड आया, कौन सुपर ऑक्साइड, तो अपने पास क्या मिलेगा, अपने को H2O2 प्लस हाफ O2 मिल जाएगी। वैसे तो H2O2 भी क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, ये किसमें टूट जाता है, H2O प्लस अपने पास नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हैं अपन, इसमें टूट जाता है, इसलिए H2O2 का अपन यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करते हैं। आप ये ध्यान रखो नेसेंट ऑक्सीजन आने का मतलब है ये ब्लीचिंग एजेंट भी हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, और इसकी ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन की वजह से होगी। और हमेशा ध्यान रखो जब भी ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन से होती है सर क्यों स्टेबल परमानेंट होती है, लेकिन अगर कोई ब्लीचिंग रिडक्शन से होगी, फॉर एग्जांपल SO2 की जो ब्लीचिंग होती है वो रिडक्शन से होती है, आप इसके साथ जैसे ही रहोगे H2SO4 और वही आपकी नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ आने वाली है, तो ये रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग होगी, लेकिन ये टेम्परेरी होगी। जैसे एयर में एक्सपोर करोगे इसमें, जैसे ही एयर में लेके जाओगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन होगा कलर रीअपीयर हो जाएगा, क्यों सर। तो यहाँ पे सिर्फ वही अपने को पूछा था माइनस वन और माइनस टू ऑक्सीडेशन, एक मिनट, हाँ बिल्कुल माइनस वन और माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ आ जाएगी। ये चीज आप समराइज लिख लेना, जैसे कि सर ने बताया आप इन चीजों को नोट भी कर सकते हो। सर ने कहा कि अगर आपका ऑक्साइड है और इसके साथ H2O है तो बेस बनेगा, अगर परोक्साइड है, ये काफी अच्छी ट्रिक है जो आपको एग्जाम में सीधे आंसर की ओर लेके जाएगी, बेस बनेगा और H2O2 बन जाएगा। और अगर आपके पास सुपर ऑक्साइड है और इसका H2O से आप रिएक्शन करवाते हो तो बेस बनेगा, H2O2 बनेगी और आपकी O2 एक कलरलेस गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। और अगर इनकी जगह एसिड दे देता है तो यहां सोल्ट 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 कर लेगा, क्यों सर, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट चलिए सर, बिल्कुल सर, हाँ सर, रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना, आप क्या करते हो इसको तो छोड़ देते हो कि ये कौन सा हाइड्रोजन देता है ये पढ़ लेते हो, तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये कह रहा है किसको छोड़कर बाकी सारे क्या देते दे देते हैं, ये हिंदी पढ़ लो, निम्नलिखित अभिक्रिया युग्मों में से किसके अतिरिक्त सभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, एक को छोड़कर बाकी सारे तो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, एक नहीं दे रहा वो कौन है, तो बताए सर। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ध्यान में रखो, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका SRP नेगेटिव होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ हमेशा H2 गैस रिलीज करते हैं, क्योंकि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है किससे, कंपेयर टू H2 से, बिल्कुल सर। लेकिन अगर उनका SRP पॉजिटिव आ गया तो ऐसे में वो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। हाँ अगर कंसंट्रेटेड आपके पास दे रहा है एसिड तो चाहे वो SRP पॉजिटिव वाला हो चाहे SRP नेगेटिव वाला हो दोनों ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन वहां पर कोई आपकी H2 गैस नहीं निकलने वाली, वहां सोल्ट और H2O बनने वाला है। और जिस प्रकार का आप एसिड लेके चलोगे H2SO4 लेके चलोगे तो SO2 निकल जाएगी, अगर आप वहां पे और कोई एसिड लेके चलते हो मतलब उसमें जो भी गैस रिलीज होने वाली है ना वो आपकी रिलीज हो जाएगी। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है HNO3 के रेस्पेक्ट में आप अलग जा सकते हो, वहां पर क्या होगा चाहे SRP नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव में हो, HNO3 खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वहां पर वो खुद ही ऑक्सीडाइज होगा सर, बिल्कुल। तो यहां पे अपन बात करें तो कॉपर का आपका SRP कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा सर। ऐसे बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं, हाँ बिल्कुल सर, देते H2 नहीं, H2 नहीं, बस इनकी बात कर रहा हूं सर, इनकी जैसे
पॉजिटिव एसआरपी होगी। वो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने इनको इसलिए बोल दिया सर कि कुछ एक फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते, तो एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, ऊपर की तरफ तो दे रखा है उसमें पॉजिटिव एसआरपी वाले को और नीचे की तरफ दे रखा है नेगेटिव एसआरपी वाले को। लेकिन जब डेफिनेशन की ओर जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो उसमें कहा जाता है कि एलिमेंट्स को उनकी एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, तो उस बेस पे अपन सीरीज बनाते हैं, तो ऊपर तो नेगेटिव एसआरपी वाले आएंगे और नीचे सर पॉजिटिव वाले आएंगे। नीचे अपन बोल सकते हैं छापा। बिल्कुल सर, यह आपके ट्रिक छा छापा, ये कौन है, कॉपर एचजी एजी पीटी एंड ए, ये दोनों तो क्या है, इनर्ट मेटल है। क्या है, इनर्ट मेटल, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक्वा रेजिया में सोल्यूबल होती है। इनको आप नोबल मेटल भी, जैसे सर ने पहले कहा है आपको कि इनको नोबल मेटल भी आपका बोला जाता है। इसकी एसआरपी आपकी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव एसआरपी होने की वजह से यहाँ फेरस सल्फेट बन जाता है और एच टू गैस रिलीज हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप कंपाउंड बनाओ तो ये देखना अपनी हाई स्टेबिलिटी की ओर जाकर के वो बनते हैं, फेरस सल्फेट बनेगा या फेरिक बनेगा, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे स्टीम दी है, ये ध्यान रखना, अगर कोल्ड वाटर देता तो मैग्नीशियम करता है लेकिन कम क्वांटिटी में एच टू रिलीज होती है, तो वो मैग्नीशियम सरफेस के चारों तरफ चिपक जाती है और वो फ्लोट होने लगती है, क्यों सर। लेकिन अब स्टीम से द्वारा है तो काफी एक्सेस में रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि आपने इसको मोर रिएक्टिव कर चुके हो इसको, तो ऐसे में आपका मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एच टू गैस यहाँ पे आपकी रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे आप बात करें तो सोडियम की एल्कोहल के साथ करवा दे, तो यह आपका एल्कोहल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस है और ये आपका है प्लस है, तो यहाँ से एल्कोक्साइड बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड और आपकी एच टू गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल इसके आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ फर्स्ट आंसर हो गया, बताएं सर। व्हेन सोडियम परोक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी बताया था परोक्साइड है, कुछ सोचना ही नहीं है, परोक्साइड के साथ क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और H2O2 बनेगा, तो ले लो आपका ये सोडियम परोक्साइड हो गया, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने किसके साथ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने डाइल्यूट H2SO4 से करवा दी, तो सोल्ट बन जाएगा आपका Na2SO4 और साथ में H2O2। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं इक्वेशंस को, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पे आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट, बिल्कुल सोडियम सल्फेट ऑक्सीजन, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये रहा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परोक्साइड, आपका फोर्थ आंसर यहां पे आ जाएगा। हाँ सर, द प्लेस वेयर हैवी वाटर इज मेड, स्थान जहां भारी जल तैयार होता है, बेटा ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखे होंगे, आपको याद रखना है बेटा। एक तो एप्लीकेशन, क्यों सर, एक तो एप्लीकेशन और एक सोर्स, या कौन सा फ्यूल कहां मिलता है, ये नॉर्मली नीट में कई बार रट्टा बेस एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए सर ने पहले ही कहा था अगर ब्लॉक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हो जाओ, क्यों सर। बिल्कुल, तो आप यहां पे ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, इन सभी जगह पे ये मिलता है, क्योंकि मेरे याद है, मैंने भी रट्टा है, आपको भी रटना है, क्यों सर। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, CH2NH3NaNH and B2SH which are covalent hydride, covalent hydride बनाने हैं अपन, देखें non-metal normally covalent बनाते हैं और metal and non-metal normally ionic बनाते हैं। वैसे भी देखें कि sodium, calcium and sodium के जो hydride होते हैं वो कैसे होते हैं, ionic nature के होते हैं, बाकी जो भी होंगे वो कैसे होंगे, covalent होंगे, अगर अपन left to right जाते हैं covalent nature क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के ज्यादातर कंपाउंड्स जो बन रहे हाइड्राइड हुए हैलाइड हुए वो कैसे होते हैं, आयनिक नेचर होते हैं ज्यादातर। फर्स्ट है के ऑल हाइड्राइड आपके आयनिक हो, लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम के ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स आपके ऑलमोस्ट क्या सभी मान लो आपके कोवेलेंट है, सिर्फ लिथियम हाइड्राइड, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड, ये दो तीन आपके कैसे हो जाएंगे, आयनिक हो जाएंगे। वैसे सेकंड है के हाइड्राइड की बात करें तो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये तो आपके आ जाएंगे कोवेलेंट नेचर के, बाकी नीचे वाले सारे आपके कैसे हो जाएंगे, आयनिक हो जाएंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये दो तो आयनिक आ गए, आपको पता है ये कोवेलेंट है, नॉन मेटल के बीच बॉन्डिंग है और ये भी आपका कोवेलेंट है, तो आपका
NH3 और कोवलेंट पूछे तो NH3 एंड B2H6 है। बिल्कुल सर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा और याद रखना, वैसे तो बता चुके हैं ये अष्टक न्यून यौगिक है, बिल्कुल लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ चुका है लेकिन ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब भी इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये वहां से लोन पेयर लेगा और आपका लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां से सर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं अपने, एक थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा। जब इसकी स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो यहां पे 4 तो आपके टर्मिनल बॉन्ड है और ये टर्मिनल बॉन्ड शेयरिंग से बन रहे हैं आपके, तो ये 4 तो हो गए आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये दो आपके ब्रिज बॉन्ड जो है यहां पे, ये तो इसकी वजह से ये इसमें क्यों सर ऑसिलेशन होता रहता है इनमें, ऑसिलेशन होता है और ये आपकी यू बॉन्डिंग होती है। तो यहां पे देखो ये जो ब्रिज बॉन्ड बनाए 1 2 3 3 तो सेंटर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसको बोला जाता है ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। और ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से जब भी डाइमर और पॉलीमर बनता है ऑक्टेट रूल ऑलवेज फेल, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया अगर ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड हुआ। ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड एक तो आपका हाइड्रोजन बनाएगा और एक आपका आर ग्रुप बनाएगा, एल्किल ग्रुप बनाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान और रखना, आपकी इनकी जब स्ट्रक्चर होती है तो बोरॉन ये 4 तो एक ही प्लेन में होते हैं लेकिन जो ब्रिज बॉन्ड होता है एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, मैक्सिमम 6 एलिमेंट। बिल्कुल सर, 6 एलिमेंट इसमें एक प्लेन में होंगे। बिल्कुल, 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए और ये वाला एक प्लेन के ऊपर चला गया, ये प्लेन के नीचे चला गया। बॉन्ड लेंथ इनकी सेम होती नहीं है, ये छोटे हैं और ये बीच वाले लार्ज हैं। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन भी यहां से पूछ लेता है तो ये बॉन्ड एंगल कम होता है, ये वाला लार्ज होता है। इसके अलावा यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इसकी रिएक्शन है किसी भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप से करवाते हो तो यहां से सिर्फ टर्मिनल वाले रिप्लेस होंगे, ये कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। तो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा B2H2CH3 4, ये जो 4 मिथाइल ग्रुप आए हैं वो टर्मिनल पे आए हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर, हालांकि अब ये डाइमर की बात पूरी हो चुकी है। क्यों सर? बिल्कुल सर, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही स्टेटमेंट देखना है। जैसे कि सर आते ही गोला कर देते हैं इस चीज को। अब इधर आओ, देखो इससे पहले एक चीज समझ लो आप, ये तो आपका होता है कैल्शियम है कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल भी आप बोल सकते हो या लाइम स्टोन जिसको आप बोल सकते हो। इसको जब हीट दिया जाता है तो यहां पे बर्नट लाइम आपका आ जाता है, तो ये आपका हो गया बर्नट लाइम। फिर आप इसमें H2O मिलाओ लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, जिसको आप बोलते हो बुझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम। अगर ये एक्वस कंडीशन में आ गया इसका मतलब वाटर एक्सेस में, अगर ये चीज एक्वस में होती तो आप इसको बोल देते लाइम वाटर, और ये वाटर में पानी में कंप्लीटली डिजेबल होता है, तो इसको आप क्लियर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो बस आ जाइए यहीं से बात कर लेते हैं, मिल्क ऑफ लाइम इज ए सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। बिल्कुल, वाटर के अंदर जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां देखो ये सिलेक्ट लाइम है और एक्सेस वाटर लिया जाता है और आगे जैसे ही वाटर के अंदर है आप इसको सस्पेंशन करोगे तभी तो जाके एक्वस बनेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा लाइम वाटर, इसी को अपन लाइम वाटर बोलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है लाइम वाटर इज ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो लाइम वाटर आपका एक क्लियर सॉल्यूशन है जैसे कि मैंने अभी बात किया, और सेम इसी को ब्राइटा वाटर बोल देंगे। ऐसे ही लिथियम का आपका लिथिया वाटर हो जाता है, आप हमेशा इसको ध्यान रखो, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है, तो ये बात भी आपकी करेक्ट हो गई। फिर आता है नाइट्रोलियम इज द मिक्सर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन, तो बिल्कुल ये नीट 2016 में आपका पूछा हुआ भी है और ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी है। क्यों सर? जिनके हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया नॉर्मली अपने को मिलती है उनका यूज एज ए अपन फर्टिलाइजर करते हैं। और जैसे कि सर ने आपने पहले भी बताया था कि ये यहाँ नाइट्रेट फॉर्म में है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर अपने को कैसी मिलेगी, Ca+2 C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर माइनस एंड ये माइनस, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये कैसा मिलेगा बेटा जी, लीनियर मिलेगा। अपन यहां बात करें
तो ये बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। कैसे है? कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पूछे कुछ कैल्शियम साइनामाइड में कौन से बॉन्ड है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? आयनिक आयनिक आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। एक चीज और, जैसे कि सर ने क्या कहा कि जब भी नाइट्राइड आएगा अमोनिया देगा, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव था ही और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये रखेगा आपका, तो ये माइनस टू और ले लेगा, तो माइनस थ्री हो गया, वैसे इसके साथ हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये भी सही है, और याद रखना इसको एज ए फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, तो आपके यहाँ पे सभी सही है, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज। आप इस सबको छोड़ो, इसमें देखो इंटरमीडिएट क्या बनता है, सब कुछ छोड़ के इंटरमीडिएट देखो, अगर ये बनाना चाहोगे सॉल्वे प्रोसेस, तो आप याद करो रिएक्शन में क्या बनता है इंटरमीडिएट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। वैसे ये बनाते हो तो ये क्या बनेगा? NaHCO3। क्लियर है? अब जब भी आप फर्स्ट टाइम में डाउन द ग्रुप जाते हो तो बाइकार्बोनेट की सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो लेटिस एनर्जी है वो तो आपकी रेपिडली डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होती है। इसका मतलब नीचे की तरफ जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा पड़ने वाला है, तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो NaHCO3 से ज्यादा सोल्यूबल कौन है? KaSO3। और इस वजह से ये आपका सोल्वे प्रोसेस में यूज नहीं हो पाता है, क्या बनाने के लिए? पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए। तो आप यहां पे कह सकते हैं ये रहा KaSO3 NaOCO3 से अधिक सोल्यूबल। क्यों सर? बिल्कुल। एक कई बार सोल्वे प्रोसेस के रॉ मेटेरियल पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। एक तो अपना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हैं, एक आपका हो गया अमोनिया, और एक आपका हो गया ब्राइन। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ सर, देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द एल्कली मेटल, सभी क्षारीय धातुओं के लिए कौन सा सही है? देन नाइट्राइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव NO2 एंड O2 गैस। बेटा सभी बात कर रहे हो, सभी क्षारीय धातुओं के लिए। बेटा एक बात बताऊं आपको, सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम के नाइट्रेट कभी भी टूटकर NO2 गैस नहीं देंगे। आप हमेशा याद रखो पूरी पेरियोडिक टेबल की मेटल एक तरफ है और ये चार एक तरफ, हालांकि नीचे वाले रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इनकी अपन प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं। तो ये चार एक तरफ रहेंगे, यहां तक कि इसका घर का जो लीडर है वो भी इसको धोखा दे देगा, ये भी सेकंड ए के साथ रहेगा। तो फर्स्ट ए का लिथियम, सेकंड ए के सारे डी ब्लॉक की सारी मेटल्स, पी ब्लॉक की सारी मेटल्स और ए ब्लॉक की सारी मेटल्स, ये एक तरफ रहेंगी और ये चार एक तरफ रहेंगे। जब भी एस ब्लॉक में आप पढ़ना शुरू करो ना, आप बस ये साइकोलॉजी बना लो कि ये चार एक जैसे और बाकी एक जैसे। बिल्कुल सर, ये NO2 गैस नहीं देंगे। ऐसे ही आगे बात करें, दे कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 एंड मेटल ऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर। बेटा फर्स्ट ग्रुप के केवल और केवल लिथियम है, गर्म करने पर CO2 गैस देता है और मेटल ऑक्साइड देता है, बाकी सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम कार्बोनेट है वो क्या नहीं देंगे? CO2 गैस नहीं देंगे। अगर उन्हें ज्यादा हीट किया जाए, ज्यादा गर्म किया जाए, तो क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाते हैं, परंतु क्या नहीं देंगे? वो CO2 गैस नहीं देंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेनली द ऑक्साइड ऑफ MO2। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये सारे MO2 का मतलब क्या हो गया बेटा जी? जैसे मैं बनाता हूँ आपके पास KO2 बना रहा हूँ, तो KO2 पर बात करें, इस पर प्लस वन है, इस पर प्लस माइनस वन आया, तो ये तो क्या बन गया? सुपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? सुपर ऑक्साइड बन गया। ये सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं? पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम ही बनाते हैं, जबकि सोडियम मेनली क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है, और लिथियम मेनली क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अपना आंसर देखें इनमें कितने क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्या देगा? नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल इस चीज में याद रखो, जैसे कि सर ने बताया, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे फॉस्फेट हो, इनके तो डीकम्पोज होंगे नहीं और बाकी सारे डीकम्पोज हो जाएंगे। सिर्फ एक बाइकार्बोनेट है जो चाहे फर्स्ट ए का हो चाहे कोई सा ही हो, वो सारे डीकम्पोज होते हैं। क्यों सर? लेकिन आगे वाले डीकम्पोज होते हैं ऑक्साइड तक, ये वाला डीकम्पोज होगा सिर्फ कार्बोनेट तक, कार्बोनेट जाते फिर से स्टेबल हो जाएगा।
और जैसे कि सर ने बताया इनमें ये चीज आप याद ही रख लो, इस चीज के लिए अपन खाली पेज पे चल सकते हैं। फर्स्ट ए के अंदर जब भी फर्स्ट ए और सेकंड ए की, मैं सभी मेटल्स की बात कर रहा हूं, आपकी एक्सेस ओ2 के साथ मैं इनको बर्न कर रहा हूं, तो लिथियम आपका ये हमेशा ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम आपका परोक्साइड बनाएगा, बाकी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये आपके सुपरऑक्साइड बनाएंगे। इसी प्रकार सेकेंड ए में बेरिलियम है और मैग्नीशियम को जब एक्सेस से O2 के साथ हीट दोगे तो ये ऑक्साइड बनाएंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को आप दोगे तो ये सिर्फ परोक्साइड बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना परोक्साइड और सुपरऑक्साइड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो लार्ज साइज की वजह से आती है, या लार्ज साइज की वजह से है तो ये सुपरऑक्साइड बना सकते हैं, ये परोक्साइड बना सकते हैं, बाकी डी ब्लॉक वाले वो हमेशा ऑक्साइड बनाएंगे कुछ एक को छोड़ के, जैसे क्रोमियम का एक मॉलिक्यूल में जाकर के आखिरकार परोक्साइड बन ही जाता है। तो यहां पे इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना। दूसरी चीज, जब भी इसको एक्सेस O2 के साथ सोडियम को हीट किया जाता है तो ये परोक्साइड के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी में सुपरऑक्साइड भी बनाता है, और सुपरऑक्साइड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये येलोविश कलर भी शो करता है, उसका रीजन यही है। और इस परोक्साइड को आप एक अलग से और नाम दे सकते हो, ओक्जोन, तो इसको आपका ओक्जोन बोला जाता है। इसमें जो ध्यान में रखने वाली चीज वो ये है आपकी कि जब भी परोक्साइड और सुपरऑक्साइड बनाओ और रीजन पूछे लार्ज साइज एस ब्लॉक वाले होते हैं, तो ये मेन प्रॉपर्टी हो गई किसकी, आपके एस ब्लॉक की। क्यों सर? बिल्कुल सर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। तो अपना क्वेश्चन था, तो इसमें जैसे कि सर ने कहा अपना आंसर यहां पे नन ऑफ दिस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लोराइड ऑफ ग्रुप सेकंड मेटल। सेकेंडरी मेटल्स के क्लोराइड के लिए स्टेटमेंट देखना है। तो पहला कह रहा है ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना, तो ये काम होता है हमेशा कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसके कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा जाएंगे। तो बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक नीचे की तरफ जाते हैं तो इनके एलाइडो में कोवेलेंट करेक्टर कम होते हैं, तो इनके हाइड्रेटेड बनाने की नेचर भी कम होगी। जैसे पहले वाला 6H2O बनाता है और लास्ट वाला आते आते 2, लेकिन फिर भी ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर देता है। तो ये वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा बात करें इंक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, तो आपको पता है लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली चलती है, तो साइज बढ़ रही है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज। ये गया सर। नेक्स्ट चले अपन डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनकी अगर बात करें सीरीज की, तो यहाँ पे आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर से डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा मूव हो गए कोवेलेंट करेक्टर की ओर से। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है केटायन की, इस वजह से इनमें कोवेलेंट करेक्टर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कोवेलेंट करेक्टर कम हो रहे हैं तो नीचे की तरफ जाने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट भी आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ेंगे। ये गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, ये गलत हो गया, नीचे की तरफ जाने पे बढ़ेंगे, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फिर अपन फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ऑल आर इनसोल्युबल एक्सेप्ट BaCl2। तो इसके तो सारे इनसोल्युबल होते हैं सर, कोवेलेंट है, तो इनकी तो अपन ने बात ही नहीं करी। तो अपना फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सर। बिल्कुल सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द कंपाउंड ऑफ लिथियम इज फॉल्स। कौन सा लिथियम के लिए गलत है? ये तो सर आप बता चुके हो पहले, बात हो चुकी है अपनी। द हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव द ऑक्साइड ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर ने कहा था कि चार को छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब टूटेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट फॉर्म ए परोक्साइड बट नॉट सुपरऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कंडीशन। वायुमंडलीय परिस्थितियों में परोक्साइड का निर्माण करता है, परोक्साइड का निर्माण करता है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, बहुत के बराबर होता है ये तो बनाता ही ऑक्साइड से। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अपना आंसर कौन सा आ गया? सेकंड आंसर आ गया, गलत पूछा है तो ये आंसर हो गया। दो स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं सर, देख लो। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक स्थायी ठोस के रूप में पृथक नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात, सही है। ये हमेशा एक्वस कंडीशन में स्टेबल होते हैं, ये सिर्फ ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और ये कह रहा है कि क्षारीय धातुओं में यह सबसे अधिक विद्युत ऋण, बिल्कुल बिल्कुल सर, नीचे की तरफ जाते हैं साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट बात कम होगी। नेक्स्ट चलते हैं सर।
देखिए सर, बिल्कुल सर, सबसे पहले यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, यहीं से शुरू हो जाओ आप, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 गैस निकलेगी, तो ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। फिर जैसे ही H2 आएगा आपको पता है सिलेक्ट लाइन बनने वाला है, तो आपका यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे इससे रिएक्शन कराओगे आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यहाँ से बन जाएगा। एक रिएक्शन है आपको याद रखनी है, करनी है। थोड़ा सा एक चीज और याद रखना, मिक्स्ड मिक्स्ड सॉल्ट, सॉल्ट बिल्कुल, जिसमें मोर देन वन टाइप के एनायन प्रेजेंट हो आपका वो मिक्स सॉल्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो CaOCl और ये Cl, तो ये -1 में, ये +1 में, ये -2 में, क्यों सर? और ये आपका +2 में आएगा। हालांकि ऐसे बॉन्ड बनाना गलत है आईने के साथ, लेकिन लेकिन वो आपको समझाने के लिए अपने थोड़े स्ट्रक्चर शुरू कर दें, क्यों सर? बिल्कुल सर। What are the raw material used in solvay process? सर पहले ही बता चुके हैं आपको। बिल्कुल सर, अमोनिया, लाइमस्टोन हो गया, बिल्कुल सर, ब्राइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों को, सर थोड़ा ब्राइन बता दो, ब्राइन क्या होता है? 20% शायद NaCl का सॉल्यूशन है, देख लेना आप NCERT से बाकी। हां बिल्कुल सर। नेक्स्ट बढ़िया सर, केमिकल ए इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टिंग, तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम में ले सकते हैं। हालांकि रिएक्शन को जब फास्ट करनी होती है तो मोर सरफेस एरिया की वजह से ये ज्यादा यूजफुल होता है। रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, बिल्कुल टेम्परेरी हार्डनेस को इसके द्वारा भी दूर किया जा सकता है और आपका इसके द्वारा भी दूर किया जा सकता है। एयर रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाइए, तो ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट, ए आपका कौन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। बिल्कुल सर, तो यहां पे अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा पूछा है सर? दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए, ए सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कास्टिक सोडा बना जब CO2 को, अच्छा इसमें कह रहा है कि इसमें CO2 पास कर दो, तो अगर इसमें CO2 पास करेंगे ना तो यह बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, लेकिन अगर एक्सेस में CO2 होती है तो यह आपका बनता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, लेकिन यहां पे सर एक्सेस का नाम तो अपने को लिया नहीं, सिंपल दिया तो अपन, तो उस हिसाब से अपन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ चले जाएंगे, क्यों सर? इसमें तो एक ही बात ये पूछा है सर, हां ये नहीं भाई, ये एक ही बात की है इसने, तो ए आपका यहां पे हो गया ये रहा, ये है ही पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका था, क्यों सर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए सर, बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्युमिनियम, ये बिल्कुल सही है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डायगोनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है आपको, तो आपको पता है ये भी एम्फोटेरिक होता है, ये भी एम्फोटेरिक, लेकिन यहां क्या बोल दिया कि इसकी तरह बेसिक है, तो ये पहला ही सर इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर तो अपना यही हो गया। फिर आगे चले बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस पे मिथेन देते, बिल्कुल ये दोनों मिथेनलाइड है आपको पता हो, तो ये बेरिलियम प्लस टू में और ये सी माइनस फोर में डिसोसिएट होते हैं, तो एच टू ओ के साथ ये मिथेन गैस ही देंगे और ये आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और वैसे ये डिसोसिएट होगा एल्यूमिनियम प्लस थ्री और सी माइनस फोर, आपको पता है एच टू ओ के साथ ये तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये आपका सी एस वन। कोई भी कार्बाइड अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है तो हाइड्रोलाइसिस पर सी एच फोर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, तो उस क्या देगा सी एच फोर देगा, बाकी सारों पर अपने को चार्ज बैलेंस करके देख लेना। तो ये आपका नीट 2016 का सवाल है सेकंड फेज का। फिर आगे बात करें, बेरिलियम लाइक एल्युमिनियम इज रेंडर्ड पैसिव विद कंसंट्रेट एच ओ, बिल्कुल ये सही बात है, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों आपके एम्फोटेरिक हैं, मेटल एम्फोटेरिक है, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, आप कंसंट्रेट एच ओ थ्री मिलाओगे तो कंसंट्रेट एच ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बार तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों इनर्ट होते हैं, तो जैसे आप एच ओ थ्री मिलाओगे बेरिलियम में, इसके चारों तरफ लेयर आ गई बेरिलियम ऑक्साइड की जो कि इनर्ट है, और ऐसे एल्युमिनियम के चारों तरफ एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ गई, तो रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, लेकिन वो रिएक्शन है काफी टाइम रुक जाएगी, रिएक्शन स्टॉप ड्यू टू पैसिविटी, और पैसिविटी किससे? इनर्ट ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन से।
तो ये बात भी सर अपनी करेक्ट होगी। लास्ट कह रहे हैं बेरिलियम लाइक डिसॉल्व इन NaOH, बिल्कुल दोनों एम्फोटेरिक है, ये सोडियम में बेरिलिएट बना दे मेटा बेरिलिएट बना देगा, ये एल्यूमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा, क्यों सर? तो ये सोडियम में मेटा बेरिलिएट और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्योंकि एम्फोटेरिक जो मेटल होगा वो एसिड से रिएक्शन करेगा और बेस से रिएक्शन करेगा, क्यों सर? नेक्स्ट ले, नेक्स्ट ऑक्सोन सर, ऑक्सोन अभी बताया था बच्चों को सोडियम परोक्साइड होता है, और ये याद रखना जैसे आपके सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें भी परोक्साइड या सुपरोक्साइड की लेयर बनाई जाती है इनकी, उसका रीजन क्या है? जो परोक्साइड और सुपरोक्साइड होते हैं, परोक्साइड हो या चाहे आपका सुपरोक्साइड हो, इनकी खास बात है ये CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करने के साथ साथ कार्बोनेट बना लेंगे यहां पे, तो अब्सॉर्ब तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ये O2 गैस रिलीज करने वाले हैं, तो काफी यूजफुल है ये। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है सर, जिप्सम दे रखा है, बिल्कुल सर जिप्सम दिया है, जिप्सम को जब लो टेम्परेचर पे देते हो तो POP बनता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2, कई बार इसको यूं भी लिख देता है CaSO4 2, बिल्कुल तो बात वही है, या इसको यू लिख देता है, क्यों सर? एक ही बात इनकी तीनों की, और इधर जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वाटर पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है, और जिसको डेड प्लास्टर भी अपने बोल सकते हैं। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना इस टेम्परेचर पर, बेस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस टेम्परेचर पर ध्यान देना आप। तो ये तो हो गया डेड बर्नेंट प्लास्टर और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो ये पूछ रहा है एक्स एंड वाई पूछ रहा है। अच्छा एक्स एंड वाई पूछ रहा है, तो पहला तो हो गया एक्स, तो हो गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये वाई हो गया डेड बर्नेंट प्लास्टर, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट मैच करना है सर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सर। तो कॉलम मैच करनी है आपके, तो सबसे पहले तो आपका कह रहा है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम को आप यहां पे मैच कर सकते हो सीधा सीधा क्विक लाइम, क्विक लाइम को आप मैच कर दो एक हड्डियों के सीजन में, चलो ऐसे मैच कर लेते हैं, पहले ये हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां काम में आ गया, हड्डियों हड्डियों को जोड़ने में, वो सबको पता है पट्टा बनाया जाता है, फिर आपका सिलेक्ट लाइम हो गया, तो सिलेक्ट लाइम आपका आ जाएगा एक है, ये रहा सर एक, ये भी मेरे को याद है च्युइंगम में, ये इसको कंपोनेंट के तौर पर इसको काम में लिया जाता है, मैं उस तरह से बात कर रहा हूं जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आपको तो कैसे अटेम्प्ट करना हो, तो जो चीज आ रही है उनको आइडेंटिफाई करते चलो। तो यहां पर क्या हो गया, बी तो मैच हो गया किससे, ऐसे तो बी मैच हो रहा है फर्स्ट से, ऐसा एक ही ऑप्शन है, बिना गुदा चुना किसमें आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया था अपन, बिल्कुल सही, अभी इसका भी अपन ने किया था, तो ये मैच हो जाएगा तीन से, अब बच गया आपका ए, तो ए आपका एप्लीकेशन हो गया किसके लिए, ये काम में आ जाता है डाइज के फॉर्मेशन में, तो ये आपका कौन सा आ गया 1 2 और ये हो गया फोर्थ से, तो कौन सा आंसर आ गया सर, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकेंड, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस है, मेरे को भी इसका एप्लीकेशन थोड़ा ध्यान में नहीं था लेकिन आया, वो कैसे आया, बाकी के तीन आ गए ऐसे आ गया, याद रखना होगा इनको, और जहां तक उसके स्टार्ट वहां से किया करो जहां पर आपको नॉलेज, बिल्कुल सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, हां जहां कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने को यहां पर था, इसको यूज ऐसे होता है, वैसे स्टार्ट करते हुए आप आगे की ओर चलोगे तो ऑप्शन अपने आप आपको मैच मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे देखना है, लिथियम एंड मैग्नीशियम हार्डर, बिल्कुल हार्ड होते हैं, लाइटर लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, अपने ग्रुप में हल्के होते हैं आराम से, दी ऑक्साइड Li2O बिल्कुल ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी, बिल्कुल दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, सुपरऑक्साइड कोई सही नहीं बनाता, ये भी करेक्ट बात है, बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों के दोनों कोवेलेंट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होंगे, आयनिक होंगे आपके वाटर में और कोवेलेंट होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लिथियम क्लोराइड लिथियम ऑक्साइड कंपैरेटिवली मच लेस सोल्युबल इन वाटर देन द क्रॉसबॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्कलाई मेटल्स, बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनिक करेक्टर बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं, तो औरों के कंपेरिजन में ये कम सोल्युबल होंगे सर, आयनिक है लेकिन
कम सोल्यूबल होगी, तो बात ये भी सही है, तो सही सही होगी, चारों सही आगे फोर्थ आंसर चला जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट चले। बिल्कुल सर, When lithium react with dry NH3, reaction है आप याद रख लो इसके, LiNH2 कुछ reactions हैं जो Li2NH बनेगा, sorry reactions हैं आप याद रख लो इसका, answer आ जाएगा second। next question, X पूछा है सर, next question है, इसको भी आप करते चलो साथ के साथ। M air है, heat दे रहा है, तो air में O2 है, O2 के साथ इसको heat दे रहा है, तो A बन रहा है, AH2O के साथ आपका B बनाता है, BHCl के साथ फ्यूम्स देता है, और फ्यूम्स तो आपको पता है, आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड की आएगी, क्लोराइड की आ रही है यहाँ पर। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये चार ऐसे हैं, एयर में हीट करोगे तो सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे, बाकी लिथियम सेकेंड के, पीके, डीके, एफ के सारे ऑक्साइड भी बनाएंगे और नाइट्राइड भी बनाएंगे, नाइट्राइड अपनी हाई लेटेंसी एनर्जी की वजह से बना पाते हैं। तो मेटल है वो कौन सी हो सकती है यहाँ पे एयर के साथ रिएक्शन करे, मान लो ये मेटल, ये गलत हो गया, तो आंसर अपना आ गया। बिल्कुल सर, एयर ये ऑक्साइड और नाइट्राइड बन गया, तो एक ही वाटर से इनकी नाइट्राइड, इनकी अपने वाटर से रिएक्शन करवा दी, तो वाटर से रिएक्शन कराएगी, एक तो बेस बन जाएगा दोनों से ही। एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सर, वो ज्यादा बच्चों को ठीक रहेगा, इनमें से ले लेते हैं, जैसे लिथियम है तो एयर से रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपका क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड, तो ये आपका ए हो गया। अब इसमें आप क्या करो, H2O पास करो, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में अमोनिया बन जाएगी, फिर अमोनिया बी है आपकी जिसमें HCl मिलाओ, तो ये आपका फ्यूम्स दे देगा, किसका, NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स। तो ऐसा कौन करेंगे, लिथियम मैग्नीशियम करते हैं, यहां पे ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये नहीं करेगा, वैसे यहां पे ये दोनों नहीं देंगे, और यहां पे सर ने बताई दिया ये नहीं देंगे, ये भी नहीं देगा, ये देगा सिर्फ मैग्नीशियम, क्यों सर, पहला आंसर, पहला आंसर है। नेक्स्ट सेलेक्शन देखिए, लिथियम इज द ओनली एल्कलाई मेटल विच इज नॉट प्लेस्ड इन केरोसिन बट इट वर्क्ड इन पैराफिन वैक्स, तो याद रखो लिथियम एल्कलाई मेटल मोर रिएक्टिव होती है, एयर में आते ही वो बर्न हो जाती है जल, मोर रिएक्टिव होने की वजह से, तो उनको पैराफिन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इनमें डुबो के रखा जाता है, लेकिन लिथियम की डेंसिटी कम होती है, ये उनमें तैर के ऊपर आ जाएगी, इसलिए इसको कागज में या फिर पैराफिन वैक्स में लपेट के रखा जाता है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा लो डेंसिटी की वजह से इसमें फ्लोट होने लगती है, तैरने लगती है, क्यों सर, ठीक है सर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट, व्हेन सोडियम मेटल इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया ए ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो इसको देखो मैं समझ गया क्वेश्चन को, आप इसको सिंपल से समझ लो, एल्कलाई मेटल है आपकी, जब भी इसको लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया मैंने यहां पर ले ली है, मान लो इसके एक्स प्लस वाई मोल ले लिए मैंने, तो एल्कलाई मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के केटाइन बना लेगी, इसके चारों तरफ अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना लेगी, एक्स मॉलिक्यूल मान लो इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए प्लस वन, ऐसे ही आपका इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसके चारों तरफ भी अमोनिया के वाई मोल इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं अमोनेटेड केटाइन, इसको अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बोल दो या सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो देखो कंडक्टेंस किस वजह से होती है, फ्री आयंस की वजह से, तो कंडक्टेंस के लिए तो दोनों रीजन है, लेकिन कलर और पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल, रिड्यूसिंग नेचर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल, तो अपना यहां पर आ जाएगा सेकेंड आंसर सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, क्यों सर, बिल्कुल सर, इसमें सारी चीजें बता दी है, अब आपके किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सर थोड़ी सी बात और कर देते हैं इनकी, अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप स्टेबल रखते हो तो एमाइड फॉर्मेशन की वजह से ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, अगर ये कंसंट्रेटेड होगा तो ब्रोंज कलर का होगा, लेकिन अगर ये डाइल्यूट होगा तो ये आपका ब्लू कलर का होगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो कलरलेस होने का रीजन है एमाइड फॉर्मेशन है, और कंसंट्रेट में क्या होता है एक्युमुलेशन यहां पर शुरू हो जाता है जिसकी वजह से यह ब्रोंज कलर का हो जाता है, क्यों सर, ओके।
हाँ सर बताओ। इफ NaOH एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन ए वाइट पीपीटी अपीयर एंड ऑन एडिंग एक्सिस ऑफ NaOH द पीपीटी रिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक एग्जिस्ट इन द। बेटा जी जिंक क्या है? जिंक एक एम्फोटेरिक एलिमेंट है। अगर अपन रिएक्शन कराएं जिंक की NaOH से, बिल्कुल सर, तो पहले क्या बनेगा? एक पीपीटी बनेगी ZnOH का होल ट्वाइस की, वाइट पीपीटी बनेगी ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस के अपने पास क्या मिलेगा? एक वाइट पीपीटी आएगी, इसकी वाइट पीपीटी आएगी। अब बेटा जी ये क्या होता है, ये किसकी विशेषता होती है? ये एम्फोटेरिक मेटल्स की विशेषता होती है। अगर इनकी पीपीटी आ चुकी है, अगर उनमें एक्सिस में अपन NaOH मिला दें, अगर आपको कहीं भी एक्सिस में NaOH मिलाए तो आप सीधा पहले अगर आपको तुक्का मारने की इच्छा हो तो आप एम्फोटेरिक मेटल को उठाएं, एम्फोटेरिक मेटल बनाएं, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संकुल निर्माण होगा जिसके कारण ये वापस पीपीटी सॉल्युबल हो जाएगी। तो सर ने आपके सामने बना दिया है, ये एक संकुल निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुल निर्माण हो जाएगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं? सोडियम मेटा सोडियम जिंकेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोडियम जिंकेट। इसको अपन एक तो इस हिसाब से लिख सकते हैं सर ने बताया वैसे, और आप एक इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है Na2ZnO2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, सोडियम जिंकेट। तो ये क्या मिलेंगे? सोडियम जिंकेट। तो आपको ये पूछ रहा है कि सोल्यूशन निम्न में से किस में उपस्थित है, तो जिंक किस में? एनायन में उपस्थित है। किस में है? एनायन। आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। तो ये रिएक्शन याद रखना, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, ये जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है। AlOH का होल थ्राइस का भी कैसी पीपीटी आती है? व्हाइट पीपीटी आती है जो ये रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आंसर। यह सर अपन ने करवा दिया वैसे भी। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज अब्सॉर्ब। देखो कास्टिक सोडा होता है, मोसर में आप इसको डाल दो कास्टिक सोडा, तो ये क्या करेगा? CO2 अब्सॉर्ब करके क्या बना लेता है? आपका कार्बोनेट बना लेता है, व्हाइट पाउडर बना लेता है थोड़े दिनों के बाद में। तो वो किस वजह से? CO2 अब्सॉर्ब करने से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले सॉलिड है, तो जैसे ही आप लेके जाओगे पहले मोसर को अब्सॉर्ब करेगा, लिक्विड कंडीशन में जाएगा, और जैसे एक्वस कंडीशन आएगा ये CO2 को ऑब्जर्व करके कार्बोनेट बना लेगा, तो लास्ट में फाइनली व्हाइट पाउडर मिलता है। तो बिल्कुल CO2 के साथ जाएंगे। क्यों? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन वेपर फेज? वेपर फेज में किस फॉर्म में रहता है? ये डाइमर की फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? डाइमर की फॉर्म में। किसके द्वारा? Cl आ रहा है, 3 center 4 electron bond आ जाएगा। क्या देगा? 3 center 4 electron bond डाइमर। देखिए बिल्कुल हैलाइड से जब भी डाइमर बनता है या पॉलीमर, तो वो 3 center 4 electron bond होगा, फॉर्मेशन होता है। आंसर आ जाएगा। तो गैस रहेगा ये, वेपर रहेगा ये, और सॉलिड रह गया तो पॉलीमर। क्यों सर? इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp रहेगा, इसमें sp2 रहेगा, और इसमें sp3 रहेगा। यहां ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहां दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट ले सर। बिल्कुल सर। पोटेशियम व्हेन हीट स्ट्रांगली इन ऑक्सीजन इट फॉर्म फॉलोइंग फाइनल प्रोडक्ट। अब बहुत बार बात कर चुके हैं, पोटेशियम को अपन एक्सिस ऑफ O2 में लें, इसमें एक्सिस ऑफ O2 में लें तो अपने को क्या मिल जाएगा? KO2 मिल जाता है। बेटा जी ये कौन है? सुपरऑक्साइड। एक चीज का आप ध्यान रखना, जो सुपरऑक्साइड बना सकते हैं वो परऑक्साइड भी बना सकते हैं और ऑक्साइड भी, और जो परऑक्साइड बनाते हैं वो सुपरऑक्साइड नहीं बना सकते, वो ऑक्साइड बना सकते हैं, और जो सिर्फ ऑक्साइड बना पाते हैं वो परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड नहीं। नेक्स्ट ले सर। नेक्स्ट करते हैं। सोडियम परऑक्साइड इज यूज्ड टू प्योरिटी द एयर इन सबमरीन्स एंड कर ली सर अपने ये बात पहले से बात कर चुके हैं। CO2 को हटाता है और O2 देता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट ले सर। बिल्कुल सर। Mg2C3 react with water forming propane gas C3-4 आयन। जब भी इसको आयनों में तोड़ेंगे मैग्नीशियम प्लस 2 और C3 माइनस 4 में, इसकी स्ट्रक्चर देखें अपन है -3 और ये माइनस है, उल्टा लगा दिया, ये -1 ये -3, तो सिग्मा हो गए 2, पाई हो गए 2। क्यों सर? बिल्कुल सर, ये एक फॉर्म में और रहता है C डबल बॉन्ड C -2 and -2, ये मोर स्टेबल होता है इसलिए मोर प्रोडक्ट भी इसी के मिलेंगे। तो ये वैसे तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, आप ध्यान रखें थोड़ा सा, इसमें और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम मिल रहे हैं, तो 2 sigma 2 pi मिल जाएंगे। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं सर। व्हेन MgCl2.6S स्ट्रॉन्गली हीटेड देन इट फॉर्म। बेटा जी जब भी इनके
मतलब इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, इनका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट को अगर और गर्म करोगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इनका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया हमने। बिल्कुल सर, बताएंगे और इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोवेलेंट कोई मॉलिक्यूल है हाइड्रेटेड फॉर्म में तो इसको स्ट्रॉन्गली हीट करने पर ऑक्साइड बनाएगा, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो आपका बनाता है एनहाइड्रेट हैलाइड। लेकिन ये आपका कोवेलेंट है इसलिए यहां पे आ जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट करते हैं। ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू अबाउट सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप समूह के तत्वों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड इन एयर। देखिए बेटा, वैसे तो इस ग्रुप के ज्यादातर एलिमेंट क्या करते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं। पर सीधा अगर बात की जाए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम मेनली नाइट्राइड बनाते हैं। बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, ये भी सही है। कैल्शियम हाइड्राइड इज आयनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, बिल्कुल सही है। ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ, फोर्थ आ जाएगा। आप इसमें ध्यान रखो, ये नाइट्राइड इसलिए बना पाते हैं क्योंकि जब नाइट्राइड बनेगा तो स्टेबिलिटी किससे देखी जाएगी? आयनिक है तो लेटिस एनर्जी से, तो हाई लेटिस एनर्जी की वजह से ये आपके एग्जिस्ट कर पाते हैं। और फर्स्ट वाले सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम लार्ज साइज की वजह से उनकी लेटिस एनर्जी कम होती है, इसलिए वो नाइट्राइड नहीं बनाते। आंसर आ गया फोर्थ, फोर्थ। तो आज के लिए इतना ही, ये ज्यादातर चैप्टर आपको याद रखने वाले हैं, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएं। और डिटो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर, मिलते हैं। और वैसे भी अपन ने हाइड्रोजन के चैप्टर के क्वेश्चंस कम रखे हैं क्योंकि इनको बेसिकली एनसीईआरटी पे इनको फोकस होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके, थैंक यू।